अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुप के सारे रंग ए प्लस के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? मौसम बहुत अच्छा हो गया है पूरे मुल्क में और ठंडी ठंडी हवाओं का रुख आ रहा है। और कहते हैं ना कि जब मौसम अच्छा होता है तो दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। और दिल के मौसम की बात करें तो मज़े मज़े के खाने हम खाना जाते हैं। वीकेंड अभी गुजरा है, बच्चों की छुट्टियां भी होने वाली हैं और ख़वातीन जल्दी जल्दी कहते हैं अपना काम समेटती हैं क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं, और टीवी ऑन करती हैं। और जब टीवी ऑन करती हैं तो फौरन मॉर्निंग शोज़ लगाती हैं। और हमारा मॉर्निंग शो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा फीडबैक मिला है हमें लास्ट वीक, इतनी कॉल्स, इतनी कुछ कहते हैं ना कि पीपल हैव प्रेज्ड अस फॉर आर यू नो वीक्स। और हमने जिस तरह ब्राइडल वीक किए और जिस तरह हमने आपको बताया कि आप अपनी शादी किस तरह सजा सकते हैं, कैसे आप अपने छोटे छोटे आइडियाज़ को लेके आगे चल सकते हैं, किस तरह आप वर्क ओवर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो हमारा जो बड़ा इवेंट था वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज हमने सोचा क्या, क्यों ना हम एंटरटेनमेंट पे बात करें, क्यों ना हम बात करें कि एंटरटेनमेंट कितनी ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में। कहीं कहीं कहते हैं छोटे छोटे डिप्रेशंस भी इर्द गिर्द चल रहे हैं, हवा में होते हैं, घरों में भी होते हैं, एंजाइटी होती है, फैमिली आपस में कोई ना कोई झगड़े चल रहे होते हैं, तो एंटरटेनमेंट का जो लेवल है, जो एंटरटेनमेंट का सुकून है, वो हमें कितना राहत देता है, कितना हमें सुकून बख्शता है, हमारी ज़िंदगियों में हमारे चेहरे पे कितनी स्माइल आती है एंटरटेनमेंट से, और एंटरटेनर्स जो होते हैं उनकी ज़िंदगियां कितनी मुश्किल होती हैं क्योंकि वो हमें एंटरटेन करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, दिन रात कैरेक्टर्स बनाते हैं, उस कैरेक्टर्स में ढलते हैं, और उस कहते हैं ना कुछ कैरेक्टर्स में ढल के वो भी एक कैरेक्टर बन जाते हैं क्योंकि उनका काम होता है कि हमारे शक्ल पे, हमारे फेस पे, हमारी कहते हैं ना कि पूरी जिंदगियों पे एक स्माइल लेकर आना, इट्स अ बिग डील। तो आज हमने सोचा कि हम एक कैरेक्टर पे क्या एक सिग्नेचर शो करें और उस बहुत बड़ा नाम हम अपने शो में बुलाएं। उनको ये भी कहा जाता है कि ही इज़ टॉल, डार्क, हैंडसम, अ मैन विद थाउजेंड ऑफ फेसेस, अ मैन विद थाउजेंड ऑफ कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर नहीं, 100 कैरेक्टर में वो ढल जाते हैं और वो कुछ ना कुछ करके हमें, हम उनको जब भी देखते हैं ना तो हमारे फेस पे ना डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है। एक एक्सप्रेशन ये होता है हमारा कि यार अभी ये कुछ कुछ कह ना दें या कोई अजीब सी बात ना करते, और एक एक्सप्रेशन क्या होता है, यार ये जो उन्होंने कॉमेडी की थी ना आज भी बड़ी याद है, ये जो उनका कैरेक्टर है ना ये आज भी हमारे कहते ना कि अंदर ढल गया हुआ है, या हम उनको याद कर सकते हैं, या उनका एक जो सीन है ना वो जो है वो हमें भूलता ही नहीं है। तो आज सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ मज़ेदार किस्म का शो करें, चटखारेदार बातें करें, मौसम इंजॉय करें, सारे अपने चाय के कप्स हाथ में उठाएं, टीवी ऑन करें, हमें लाइव कॉल्स में, हमारे प्रोग्राम में शामिल हों, हमें लाइव कॉल्स करें, हम आपकी बातें सुने, आपको कुछ सुनाएं और इस प्रोग्राम को मज़ीद इंटरटेनिंग बनाएं। तो हम लाइव कॉल्स जो हैं वो हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है, हमें प्लीज़ लाइव कॉल करें और हमें बताएं कि वो हमारे शोज़ में क्या देखना चाहते हैं। और अभी मैंने सरप्राइज़ रिवील नहीं करना कि आज हमारे शो में कौन है, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और वो सेलिब्रिटी का क्या नाम है, और वो जब आएंगे ना तो कहेंगे कि लोग कहेंगे वाह क्या क्या मज़ा आ गया, क्योंकि इतना एंटरटेनिंग शो होगा, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और सुबह सुबह मैं वैसे ही बड़े नर्वस थी कि मैं कैसे कैसे इतना बड़ा शो करूं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी शो करना इट्स लाइक थोड़ा सा होता है कि कोई ऐसी चीज़ मैं भूल ना जाऊं, कोई ऐसी बात ना भूल जाऊं कि जो मैं कोई जो उनकी कहते ना कि पर्सनालिटी से जस्टिफाई ना कर पाए। तो वी हैव टू डू अ कंप्लीट जस्टिस विद द पर्सन ही इज़ ऑन आवर सेट। मगर आप हमें कॉल्स करें, हमें बताएं कि आप मज़ीद अगले वीक्स में हमारे साथ किस तरह का सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, किस शो के बारे में आप अपना फीडबैक दें, आप हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का जो सब्जेक्ट है अब हम अपने मज़ीद शोज़ में लेकर आएं। अच्छा, हम बात कर रहे थे एंटरटेनमेंट पे, तो एंटरटेनमेंट में ड्रामास, एंटरटेनमेंट में फिल्म्स, एंटरटेनमेंट में हमारा थिएटर, एंटरटेनमेंट में हमारे स्टैंड अप कॉमेडीज़, वो हमेशा से ही बहुत पॉपुलैरिटी रखते हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान के जो कॉमेडियंस हैं उन्होंने बहुत अपना नाम कमाया है। और आज भी जो हमारे साथ एक पर्सनालिटी हैं वो भी अगर दुनिया में किसी भी कोने में जाते हैं ना तो
उनकी कैरेक्टर एक्टिंग जो है ना, लोग उनको दूर दूर से देखते हैं और करीब जाते वक्त भी डर रहे होते हैं कि ये वही कैरेक्टर बन के तो नहीं सामने आ जाएंगे, या एकदम से वो कहेंगे, ट्विस्ट मार के तो नहीं कहेंगे कि यार मैं ये था। मैं इसलिए बार बार नाम नहीं ले रही और मैं इसलिए बार बार कैरेक्टर का नाम नहीं ले रही कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मगर जो अभी हमारा सरप्राइज़ है वो मैं रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि सरप्राइज़ हमारा बहुत बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अगली ब्रेक में सरप्राइज़ रिवील करूँ। तो अच्छा व्यूअर्स, तो अब आप लोगों के समर के क्या प्लान्स हैं, आप हमें बताएं कि आप आगे छुट्टियों में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस किस वेकेशंस पे जा रहे हैं, बच्चों को लेके क्या प्लान्स कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम उस तरह के प्रोग्राम्स भी करें और उस तरह के प्रोग्राम्स लेकर आएं। मे बी हम किसी आउटडोर एरिया पे, किसी ना किसी जगह पे उन प्रोग्राम्स में आएं। हम मे बी हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ इकट्ठे हों, हम उनसे बातें करें कि वो अपने वेकेशंस को किस तरह इंजॉय करेंगे और कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा एक और ख़ास बात, आप लोगों ने इसका बहुत ख्याल रखना है कि एकदम से अभी जून शुरू होने वाला है, सब ने नॉर्दर्न एरियाज़ का यू नो दे विल इन रूट टू नॉर्दर्न एरियाज़, मगर आपको पता है कैपेसिटी कम है, कुछ ना कुछ आप इंसिडेंट से बचने के लिए आप छोटे छोटे कहते हैं ना ग्रुप्स को और छोटी छोटी जगहों को जो है आप चूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक ही जगह जाए, और इसमें हमारी थोड़ी सी आला कहते ना कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी आती है कि वो इन रूट बताएं लोगों को कि यहाँ आप लोग मरी का रुख करें, एबटाबाद का रुख करें, पेशावर का रुख करें, या किसी भी फेरी मेडोज जाएं, तो वो इन रूट जो है वो प्रॉपरली क्लियर हो, रोड्स प्रॉपरली बनी हो, तो तभी इन रूट करें, तभी मज़ा है। तो कहते ना कि ये इंटरटेनमेंट भी एक रहमत होती है, अल्लाह ना करे किसी की ज़िंदगी में ये एक ज़हमत बन जाए। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन करें अपने 3 महीने, क्योंकि अभी बहुत लंबी छुट्टियां होने वाली हैं, और घर में बच्चों के साथ अब आप लोगों ने किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, उनको एजुकेट कैसे करना है, समर स्कूल होमवर्क कैसे कराना है, वेकेशंस पे कैसे लेके जाना है, और आगे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्होंने अपनी वेडिंग प्लान करनी होती है क्योंकि उनको छुट्टियों का मौका मिलता है इन 3 महीनों में, तो वो कैसे करना है। तो हम चाहते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स पे हम प्रोग्राम्स करें और आप लोग हमें अपना फ़ीडबैक दें। आपका जो फ़ीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके फ़ीडबैक से हम बहुत इंकरेजमेंट होती है हमें, हम एक नॉलेज होती है कि हम मजीद अपना प्रोग्राम कैसे बेहतर बना सकते हैं। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे देखती हैं और प्यारी प्यारी से मुझे बातें करती हैं मेरे साथ, और वो ज़रूर मुझे कॉल करें, और मुझे बड़ा मैंने बहुत इंजॉय किया लास्ट वीक, वो मैंने इसलिए इंजॉय किया क्योंकि मुझे उनके जो छोटे छोटे फीडबैक्स थे मेकअप के हवाले से, कपड़ों के हवाले से और उनकी हेल्थ के हवाले से हमें मिले, और हमने सोचा कि हम रोज़ाना कोई ना कोई फीडबैक ज़रूर लेंगे ताकि हम अपने शो में उन चीज़ों को हम लोग ना वो कर सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें। और अच्छा जो मैंने जोड़ा पहना हुआ है वो मेरी अपनी कलेक्शन का है, और दैट इज़ हिनाश बाय हिना सलमान, और मैंने कभी नहीं बताती लेकिन मेरा हिनाश ईस्टोर के नाम से मेरा सोशल मीडिया पे पेज है, हिनाश बाय हिना सलमान मेरा पेज है फेसबुक पे, और www.hinash.pk मेरी वेबसाइट है। तो आप जोड़ा शॉप भी कर सकते हैं अपने बड़े इवेंट्स को, क्योंकि बेसिकली आई डील विद लाइक फॉर्मल वेयर्स एंड ब्राइडल वेयर्स। तो आप अगर कोई जोड़ा आपको पसंद है या मैंने पहना है, आप क्वेरी आपको चाहिए तो आप मेरे पेज पे जाएं, मेरा नंबर चल रहा है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आप रीच आउट कर सकते हैं, और यू कैन बाय द स्टाफ एंड यू कैन बाय अ लॉट ऑफ कलेक्शंस। तो ये तो थी छोटी सी बात। ऑल व्यूज, समर्स आर अहेड, तो आज छोटी सी एक ट्रिप दूंगी कि फ्लोरल्स पे जाएं, फ्लावर प्रिंट्स बहुत इन हो रहे हैं, लॉन जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही है और बड़ी सस्ती है आजकल लॉन आ रही है, वो इसलिए कह रहे हैं ना कि हर जगह महंगाई है, मगर ऐसा नहीं है, ढूंढने की आँख की पहचान होनी चाहिए, ढूंढने वाले बहुत बहुत चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो जो लॉन का जोड़ा है 2 पीस 3 पीस वो आपको 2000 से 2500 तक, 1800 से 2500 तक बेहतरीन से बेहतरीन भी मिल रहा है मार्केट्स में। तो आप व्यूअर्स जाएँ और अपने जो 3 महीने की छुट्टियाँ हैं और जो समर एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतरीन बनाएँ, क्योंकि अभी हमारे जो दिन हैं वो हमारी फैमिली के साथ गुजरने वाले हैं। तो वी उस छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक बाद वापस आएंगे, अभी जो मेरा बड़ा सरप्राइज़ है वो मैं रिवील करूंगी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस, गुड मॉर्निंग धनक।
थैंक यू। आज जाने की जिद ना करो, इतना इमोशनल सॉन्ग और इतनी डिफरेंट पर्सनालिटी, ये कैसे आप कॉपरेट करते हैं? इसीलिए मेरे बारे में लिखा जाता है कि मैन विद 1000 फेसेस, तो मैं हमेशा डिफरेंट होता हूँ। आज चुके मई में इतना खुशगवार मौसम चल रहा है, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, और फिर आपके सेट पे आके आपसे बात करने के बाद और मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा सेट लगाया हुआ है, तो मैंने कहा चलो गाने से आगाज़ करते हैं ताकि आप प्लीज़ इधर आएं। और एजाज नैयर साहब, जिनकी मैं बात कर रही थी, नैयर एजाज साहब, और कहते ना कि एक सरप्राइज़ था, वो ये था कि सर पहले आप इधर आपके पास आ जाते, बातें करते हैं जी, प्लीज, और कुछ बातें क्या कुछ करते हैं, म्यूजिक की बात हो, डांस की बात हो, कॉमेडी की बात हो, सीरियस रोल्स की बात हो, विलेन कॉमेडी विलेन की बात हो, फिल्म्स के अंदर एक डिफरेंट कैरेक्टर हमेशा से आपका देखा है, तो ऐसा कोई चीज़, कोई वाक्य आपको याद आता है कि जब आप कहीं जा रहे हो तो लोगों ने आपको किसी आवाज़ दी हो, या कोई आपको कहा हो कि आप वो कैरेक्टर के अंदर आपको कह रहे हो कि आप प्लीज़ करके दिखाएं? अक्सर बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, जैसे कालिदास एक किरदार बहुत हिट हुआ था, और उसके बाद मुझे आवाज़ें बड़ी पड़ती थी, कालिदास कुत्ता हाँ। वो बहुत ज़्यादा, तो आपका कालिदास का एक जिंगल भी था जो आप गाते थे? हाँ, वो चूँकि साथ वालों का गाना है तो वो मेरा ख्याल है कि अच्छा, ठीक है, यहाँ गाया नहीं जा सकता हाँ। तो वो बहुत हिट हुआ था, फिर उसके बाद जंजालपुरा, बिल्कुल, जिसमें ट्रांसजेंडर का रोल किया था, वो बहुत क्लिक हुआ था, वो सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा आज भी जब देखते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं। बट उसमें आपने ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर भी अगर बात की तो आपने बहुत उसमें डिफरेंट रोल, बिल्कुल ट्रांसजेंडर का था वो, बाद में इलेक्शन भी आईडी कार्ड का इशू भी खत्म होता है, तो उसमें ऐसे किरदार करने के बाद, पिक्चर आप देखें, हमें निकाल दी पिक्चर, हाँ ये एक फिल्म है मैनुनिसा वी लव यू, उसमें है तो ये मर्दाना सारी बातचीत करता है लेकिन इसने रूप जो है वो फीमेल का रखा हुआ है, तो इस तरह की जो कोशिशें हैं वो करता रहता हूँ मैं, ताकि स्क्रीन पे आप एक स्टेल ना लगे, ऐसा ना लगे कि यार ये आदमी पिछले 70 साल से एक ही जैसा काम कर रहा है। तो जब आप कैरेक्टर बनने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत होती है, और कैरेक्टर बनाने के लिए फिर वो आपको 24 घंटे उसमें लिव करना। पर आपका फैमिली बैकग्राउंड तो सारा म्यूजिक से है? हाँ, मेरे एक भाई जी वो गाते हैं, और एक भाई जो इस दुनिया में नहीं है, रियाज उनका नाम था, वो मल्टी टैलेंटेड थे, वो म्यूजिक भी करते थे, गाते भी थे, एक्टर भी थे। तो आपको एक्टिंग का ख्याल कैसे आया? मुझे एक्टिंग का ख्याल मतलब मैं बिल्कुल एक इस तरह भी कैफियत का बच्चा था जो कहते थे कभी क्रिकेटर बन जाऊंगा, क्रिकेट खेलता भी था, फर्स्ट क्लास मैंने खेली भी है, लेकिन उस तरफ को मुझे ज़्यादा रुझान मेरा नहीं था। लेकिन जब एक दफ़ा एक किरदार किया तो उसके बाद मैंने जब बैठ के सोचा कि यार मुझे क्या बनना है, क्योंकि आप कभी कुछ बन रहे हैं कभी कुछ बन रहे हैं, तो एक दिन डिसाइड किया कि बैठ के सोच भाई तूने बनना क्या है, तो वो फिर अंदर से आवाज़ आई कि नहीं यार ये एक्टिंग मैं कर लूँगा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे एक्टिंग ही करनी चाहिए, ठीक है, तो फिर इस तरफ तवज्जो। सर एक कॉल आई है, एक लाइव कॉल आई है, वो लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं तावीला बोल रही हूँ झंग से। तावीला बोल रही हैं झंग से, कैसी हैं आप तावीला? शो देख रही हैं? हाँ जी मैं देख रही हूँ, मैं रोजाना डेली देखती हूँ आपका शो। आप प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा आहिस्ता कर दें, क्योंकि इस तरह आवाज जो है वो एको होगी। जी कम कर दिया मैंने, आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको शो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो, मैं डेली देखती हूँ आपका शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगी? बस मुझे पसंद है, आज फर्स्ट टाइम आपको शो में मेरी कॉल लगी है। अच्छा, शो में कॉल आई है तो आपको अच्छा लग रहा है जी। तो आज हमारे साथ इतने बड़े सेलिब्रिटी नैयर एजाज साहब हैं, हमने सोचा कि उनसे बात करें। आप बात करेंगी? हाँ जी मैं देख रही हूँ इनको, मैंने ना इनका लाग ड्रामा देखा था, उसमें ये कालिदास का वो था। अच्छा, लास्ट ड्रामा देखा था आपने? अच्छा, कोई बात करना चाहेंगी आप? सलाम करूंगी बस, खुशी हो रही है आप लोगों को देख के। वालेकुम अस्सलाम, खुश रहे आप? खुश रहे जी भाई, क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम।
क्या हाल है भाई? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट टाइम कॉल किया मैंने, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छी बात है, मौसम कैसा है आपकी तरफ? बहुत अच्छा मौसम है इधर। अच्छा अच्छा, बादल आए हुए हैं? जी दो तीन दिन हो गए, दो तीन दिन से बहुत अच्छा मौसम। साबिला तब क्या करती हैं, कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस आप लोग खुश रहे, आप लोगों का शो बहुत अच्छा है, बस पसंद है मुझे। अच्छा, थैंक यू सो मच, ढंग से बात करनी थी ताबीला। और इस तरह के जो फीडबैक्स होते हैं ना, वो बहुत, आपके कहते हैं ना कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी जो सुबह होती है वो बड़ी खुशगवार हो जाती है। और कैरेक्टर का जिक्र किया बिल्कुल, अब तो अभी पीछे से इतने फोन आ रहे हैं, बार बार प्रोडक्शन टीम फोन पे फोन ले रही, बट हम बात करते हैं। तो कालिदास तो वाकई बहुत बड़ा कैरेक्टर था, और जो बाजी फिल्म का जो डांस था वो लोगों को नहीं भूलता। इसके अलावा लॉयर जी, उसके अलावा क्या क्या कैरेक्टर्स थे, और भी बहुत कैरेक्टर्स थे। अभी धुआं ड्रामे की अगर हम बात करें तो उसका कैरेक्टर जो था वो आज भी लोगों के दिलों में बसता है, सेठ सलमान। आज भी धुआं ड्रामे की जो खसूसियत थी वो ये थी, उसमें एक सीन था जो था 10.5 मिनट का, और वो वन टेक था। ओ। वन टेक था और बोल भी ज्यादा मेरा था। अच्छा। वो कोई 10.5 मिनट का एक सीन है जो उस वक्त एक्सपेरिमेंट किया था कि जी वन शॉट और वन ही शॉट में सारा टेक वो की थी मैंने। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं, करते रहते हैं। तो अच्छा जी, एक कॉल है हमारे साथ, तो हम सर कॉल्स आ रही है, हम साथ कॉल्स भी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? हाफ़ज़ा बात कर रही हैं। हाफ़ज़ा बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा जी हाफ़ज़ा, हमें आवाज़ आ रही है, आप बात करें। अच्छा, थैंक यू सो मच हाफ़ज़ा, हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। क्या कहना चाहेंगी, शो देख रही हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके शो में जो गेस्ट आए ना, वो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, थोड़ा सा गाना सुना दी। अच्छा, जो हमारे गेस्ट आए उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उन्होंने गाना सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका हाफ़ज़ा। हाफ़ज़ा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और आपका फीडबैक जो है वो हमने सर तक पहुंच गया है। तो सर धुआं पे बात, धुएं ड्रामे की बात कर रहे थे, उस पे वो 10.5 मिनट का एक सीन था। और तो पहले तो टेक्नोलॉजी का भी थोड़ा सा फर्क होता था, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो बहुत ज्यादा हो गई। तो कैसे किया आपने, पूरा याद किया? याद किया और उसकी रिहर्सल की, और उसके बाद वो शकील अंदान साहब हमारे कैमरामैन थे, सारा उस वक्त वो ऑपरेट कर रहे थे वो माशाल्लाह, और उन्होंने ऑपरेट किया और बड़ा मजा आया वो इस तरह का एक सीन करके, तो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक 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 ठीक। तो अगर मूवीज की बिग स्क्रीन्स की बात करें, ड्रामास पे काम करना इज डिफरेंट थिंग, बट जो लार्जर देन लाइफ होती है स्क्रीन, सिनेमैटिक स्क्रीन होती है, उस पे काम करने का क्या, एक बताएं कि दोनों में क्या फ़र्क है? नहीं फर्क तो इतना नहीं होता, लेकिन मेरी चूँकि पर्सनैलिटी बड़ी टॉन हूँ, तो मुझे फिल्म में ज़्यादा काम करके अच्छा लगता है। वो बड़ी स्क्रीन है, आपके एक्सप्रेशन, आपकी चीज़ें लोगों तक कन्वे हो जाती हैं, जो आप करना चाहते हो वो लोगों को समझ आ जाती है। और अब वैसे भी मैंने अभी जितने भी माशाल्लाह कैरेक्टर्स किए, चाहे वो नामालूम अफराद में एक सीन किया था, फिर उसके बाद नामालूम टू में मैंने अरबी का रोल किया, तीफा इन ट्रबल की बाजी में किया, और फिर कायदे अब जिंदाबाद, मौला जट पे माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट हुआ रोल। और अभी एक नई फिल्म की है जो इंशाल्लाह ईद के बाद आएगी, टकसाली नाम है उसका। अच्छा। उसमें भी बिल्कुल डिफरेंट एक रोल, बिल्कुल हमने कुछ सुना भी है इस मूवी के बारे में, तो हम आपको देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बहुत सी बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, आपसे बड़ी कहते ना इनसाइड स्टोरी सुनेंगे, और एक जो वाकया बड़ा मशहूर है एयरपोर्ट वाला, वो भी मैंने आपसे पूछना है। बिल्कुल ठीक। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक।
आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं, और वो कहते हैं इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, और वो जो इंतज़ार था वो ये था कि नैयर एजाज साहब हमारे साथ बैठे हैं। स्क्रीन पर तो हमने देखा है, उनको फिल्म्स में भी देखा है, मगर लाइव जो बैठ के सुनने का अपना ही मज़ा है। तो आज नैयर साहब से पूछते हैं कि ये आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे इस फील्ड में जंप ऑन किया, कहाँ पैदा हुए, कुछ यादें बताएं, कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स पे बात करें। हाँ बिल्कुल, बात करते हैं। मैं जी कोयटा में पैदा हुआ, बलूचिस्तान का शहर है कोयटा, वहाँ मैं पैदा हुआ, और हम माशाल्लाह 11 बहन भाई थे माशाल्लाह, और अब तो माशाल्लाह हम लोग बहुत कम रह गए, बाकी काफ़ी बहुत हो गए बेचारे, सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। तो मैं बड़ा खामोश रहने वाला बच्चा था अपनी फैमिली में, नज़र बातें बातें नहीं करता था उस वक्त, और अपने मुझसे जो बड़े थे रियाज भाई, उनके साथ काफ़ी अटैचमेंट थी मेरी, और तो बातें मैं बहुत कम करता था, लेकिन ऑब्जर्व करता रहता था, मैं खामोश बैठ के देखता रहता था क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या ये किस तरह हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भाई कैसे कर रहा है, बहन क्या कर रही है, तो ये सारी चीज़ें सोचता रहता था कि यार, कभी कभी सोचता था यार हम लोग काफ़ी बहन भाई हैं। तो उसके बाद वहीं मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं 8th तक मैं पढ़ा हूँ कोयटा से, उसके बाद मैं लाहौर में आगे भाई के पास जो सलामत नहीं है, जो अब अमेरिका में इधर आगे, एक और बड़े भाई थे जो रिसेंट फौत हुए हैं, अमानत उनका नाम, उनके पास आ गए थे, वो जियोलॉजिकल सर्वे में काम करते। तो फिर गया आके मैंने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद अब्बा जी को फिर हार्ट का मसला हुआ तो वापस चला गया कोयटा, वहाँ से फिर मैंने FABA में पॉलिटिकल साइंस में की, और जॉब भी करता था फिर मैं साथ साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्या बनना है, क्रिकेट खेलता था यहाँ से, चूँकि अब्बू की बीमारी की वजह से मैं वापस चला गया कोयटा, तो फिर क्रिकेट जारी ना रख सका। तो एक दफ़ा मुझे किसी ने मेरी आवाज़ सुनी तो उसने कहा यार ये इसकी तो आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो ड्रामे में काम करेगा। मैंने कहा जी मुझे नहीं आता, उन्होंने कहा हम करा लेंगे आ जा। तो वो मुझे नजमा महबूब साहिबा के साथ लीड रोल में कास्ट किया, मैं सरदार मुझे बनाया था। तो वो प्ले करने के दूसरे दिन मुझे कुछ लगा कि यार ये जो काम मैंने स्टार्ट किया है मैं इसमें कम्फर्टेबल भी हूँ और मुझे ये करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। वो फिर उसके बाद काफ़ी फिल्में देखी हॉलीवुड की, जैसे गॉडफादर देखी, तो जब दीमान ब्रांडो साहब को देखा तो उसके बाद कहा यार ये क्या भाई, ये क्या काम है, वो किस तरह से कैरेक्टर बनते हैं, किस तरह से कैरेक्टराइजेशन करते हैं, और उनकी काफ़ी फिल्में देखने के बाद समझ आई कि यार जो आप हैं वो किरदार नहीं है, आपको किरदार बनना है। एक तो आप हैं ना कि जी मैं नहीं हूँ तो जो भी करना है मैंने इस तरह से करना है, लेकिन नहीं, जब आपने किरदार बनना है तो फिर उसके साथ किस तरह से डील करना है, उसको कैसे क्रिएट करना है, वो चीज़ें फिर मैं सोचना शुरू हो गया। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो भी काम किया वो अल्लाह ताला उसमें इज्जत देता रहा। फिर उसके बाद कोयटा से ही मैं जॉब भी कर रहा था, तो फिर मुझे फिल्मों की ऑफ़र आ गई। मैं जब लाहौर में पहली फिल्म शूट करने आया था तो मैंने पहले दिन 15 फिल्में साइन की थी लाहौर आए, उसके बाद मुझे फिर लगा कि यार अब यह काम तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी शौकरी, आई लेफ्ट जॉब और फिर मैं इसको फुल टाइम करने लग पड़ा इसको। अच्छा, तो सर आपको बचपन अपना याद आता है? हाँ बचपन याद तो आता है, क्योंकि उस वक्त काफ़ी खामोश सा बच्चा होता था मैं। एक बात बताऊँ, मैं ज़िंदगी को बिल्कुल हर उस पीरियड, जो जो आपकी लाइफ में पीरियड एक आ रहा होता है ना, मैं हर पीरियड को इंजॉय करता हूँ। देखने वाले को शायद ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल रफ हूँ, कोई चीज़ों को मैं इतनी ज़्यादा गहराई से नहीं लेता, नहीं, मैं रिश्तों को बहुत करीब समझता हूँ, बहुत अजीज समझता हूँ। मैं एक्सप्रेशन वाइज ज़ाहिर नहीं कर पाता, ना लफ्ज़ों से ज़ाहिर कर पाता हूँ, लेकिन मैं अपने मतलब मुझे प्यार भी अपने बहन भाइयों से बहुत है, मुझे लोगों से बड़ा प्यार होता है, मैं हर ज़हीन आदमी को मिलना पसंद करता हूँ, उससे बात करना। आपके फादर जो थे वो रेडियो में होते थे, पाकिस्तान रेडियो में होते थे और कोयटा में पोस्टेड थे, तो कैसे वहाँ रहना, बहन भाई इधर, अम्मी रिलेशन? बहन भाई वहीं थे,
कुछ हम सब कोयटा में ही रहते थे लेकिन कुछ बहन भाई फिर बाद में लाहौर आ गए थे, कुछ बड़े बहन भाई यहां तो भाई इधर आ गए। समझ नहीं आती कि अगर इकट्ठे हों या कुछ स्कैटर्डनेस थी या पेरेंट्स याद आते हैं या उनका होना अब आपके लिए नहीं, जब वो जिंदा, बस वो यही होता है ना कि जब आप पेरेंट्स जिंदा होते हैं आप अपनी लाइफ की तगड़ो में भाग दौड़ कर रहे होते हैं तो उसमें उनसे दूर भी आप रहते हैं, और जब वो रिश्ते आपके पास से चले जाते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि यार हम तो ज़िंदगी में भाग दौड़ कर रहे थे अपनी कामयाबी के लिए, तो ये जो रिश्ते हमारे साथ थे ये हम लोग से जुदा होते चले गए, तो वो यादें वो चीज़ें फिर आपको जब याद आती हैं तो फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार काश मैं ये ना कर सका, ये भी कर लेता, अपने वालिद के लिए ये कमियां मुझ में रह गई मैं ये भी पूरी कर देता। किसके ज़्यादा करीब थे? वालिद के, वालिद साहब के ज़्यादा करीब थे, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट मेरी ज़्यादा थी अपने वालिद साहब से। कोई उनकी कोई बात, कोई ऐसी चीज़ उनकी कोई आपको याद आती है? एक दफ़ा हम लोग दोनों बाप बेटा आ रहे थे क्वेटा में गली में, तो काफ़ी लोगों ने उनसे मिले, उन्होंने कहा जी आपका बेटा बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा काम। तो हम चलते आ रहे थे तो वालिद साहब ने कहा कि यार मुझे बहुत खुशी है कि लोग तेरे काम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होगी जब लोग ये कहेंगे कि तो आपका बेटा इंसान भी बहुत अच्छा है। तो अपनी तरफ से हमेशा मैंने ये कोशिश की कि कोई शिकायत ना मिले वालिद को, घर वालों को, और ऐसा कोई एटीट्यूड मैंने कभी किया नहीं कि कोई शिकायत जाती या कोई वालदैन तंग होते हैं, नहीं इस तरह में नहीं था। मेरे क्वेटा में अक्सर जो हमारे मोहल्ले की खवातीन थी बुज़ुर्ग, वो मेरी माँ को कहती थी कि भाई अपनी बेटी को बाहर ला, हमने देखना है उसको, वो तो बाहर आता ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं करता वो। अच्छा, तो मेरा बड़ा इमोशन था आपका। हाँ, घर के अंदर ही, घर के अंदर, काम पे गए, काम के बाद घर। अब भी मैं जब काम पे होता हूँ वो, वरना घर, मुझे घर ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने घर में रहना अच्छा लगता है, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना पसंद नहीं। अच्छा, सोशलाइजिंग ज़्यादा नहीं? नहीं नहीं, मैं इतनी नहीं करता। अच्छा, वैसे ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि इतने कैरेक्टर्स, वो कहते हैं ना कि अ मैन विद 1000 फेसेस, अगर वो मिलेगा नहीं, सोशलाइज नहीं करेगा तो हाउ कैन इंस्पिरेशन कहाँ से लेगा? अब उसकी इंस्पिरेशन इस तरह से लूंगा ना कि मैं जैसे जा रहा हूँ, अब इतवार बाजार जरूर जाता हूँ। इतवार बाजार जाने के फायदे ये होते हैं कि आपको कोई ना कोई दो चार लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी टोन, जिनका कोई गेटअप आपके जहन में आ जाता है, अच्छा यार ये कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका कार पर, तो ये इस तरह रोड पे जाना या लोगों से बात करना या किसी मॉल में जाना, वो सारा ऑब्जर्वेशन तो मेरी चलती रहती है। अच्छा, शादी कब हुई? और शादी जब हुई तो अरेंज थी या लव मैरिज थी? अरे, मेरी माँ की पसंद थी, अरेंज थी, और मैंने उनको जब शादी की बात हो गई मैंने देखा बिल्कुल नहीं था, ना कोई बात की थी। फर्स्ट टाइम जब शादी हाल में था वो चलती आई तो मैंने कहा शुक्र है यार, पसंद अच्छी है अम्मी की, माँ की पसंद अच्छी है, वरना मैं तो डर रहा था पता नहीं क्या होगा। हाँ। तो बेहतरीन। अच्छा, आपने आप इतने माशाल्लाह बड़े आर्टिस्ट, आपने शादी पे अपनी होने वाली बीवी को नहीं देखा था पहले? नहीं, पहले बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, ना, ये ना, तो ना, बड़ी डिफरेंट बात है। मैं मशरकी लड़का हूं। अच्छा, मशरकी। तो ये ज्यादा अच्छा भी होता है, आप एक दूसरे को नहीं जान रहे होते लेकिन जब लाइफ में आप एक दूसरे के आ जाते हैं तो फिर आपको समझने में जानने अच्छा में। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा कहते हैं ना कि पास्ट होता है और सबकी लाइफ में होता है, चाहे इसको डार्क कह दो चाहे इसको वाइब्रेंट कह दो, तो आपकी जिंदगी का वो पास्ट कौन था? कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। नहीं, कोई एक होना तो मैं पर्टिकुलर बता दूं कि जी एक है मेरे, वो चेंज होते रहते थे, कभी ये पसंद है तो कभी ये पसंद है, कभी अच्छा। वो पसंद है, बस इस तरह से चलता। सीरियसनेस नहीं थी? सीरियसनेस नहीं थी। ठीक है, शादी के बाद फिर समझ आई, मतलब कि भाभी शो देख रही हैं। हाँ, बिल्कुल देख रही हैं। और शादी के बाद ये समझ आई कि यार ये जो होता है ना कि जी शादी के बाद आप कंप्रोमाइज करके रहते हैं, नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं, वो जिस तरह से है उसको कबूल किया हुआ है, मैं जिस तरह से हूँ उसने कबूल किया हुआ है, और जिंदगी के दिन अच्छे गुजर रहते हैं। अच्छा, आपने बताया कि कश्मीरी फैमिली से हैं और खाना शाना तो बड़ा अच्छा बनाती हैं। ओ जबरदस्त जी, कश्मीरियों की बात आती है और खाने की बात ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप यकीन करें, मैं कहीं भी चला जाऊँ ना तो मुझे सुबह की चाय, उसके हाथ की सुबह का नाश्ता, वो हमेशा याद होता है, मिस करता हूँ कि यार उसका वो आदी हो गया ना आदमी, वो खाने का चाय पीने। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? जो मर्जी आप पकवा लें वो बेहतरीन है। अच्छा, मजेदार बहुत।
मजे का पकाती है वो। अच्छा। और बहुत अच्छी खातून है, मुझे बर्दाश्त करती है, मेरे मूड्स को भी बर्दाश्त कर लेती है और एक अच्छी हंसी खुशी लाइफ चल रही है। हम लोग मियाँ बीवी तो हैं लेकिन हम लोग ज़्यादा दोस्त की तरह ज़्यादा हैं। हाँ, दोस्त ज़्यादा। तो आपके इतने जो कैरेक्टर्स देखते हैं अब, वो देखती भी हैं, और कभी उन्होंने माइंड किया कि यार तुमने ये क्या किया? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, या वो जो एक एयरपोर्ट वाला वाक्य जो मैं आपसे बार बार पूछ रही, चलो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, वो एयरपोर्ट पे क्या वाक्य हुआ था? एयरपोर्ट पे ये था कि जब मैंने किया था ना वो लाग, तो उसमें ये था कि जी मैं बाथरूम में शेव कर रहा होता हूँ और मेरी वो जो मिसेज बनी है वो वहाँ देख रही होती, तो मैं गाने वाने गा रहा था, कुछ गा रहा था, तो उसका करेक्टर ये बनाया था कि वो कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी है और वो कहता है जो लोग कश्मीर में रहते हैं वो कश्मीरी है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, लेकिन जब लोग कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान जाना है तो फिर उसको उसका अग्रेशन आता है कि जी वो फिर गोलियां मारता है, वो जो भी करता है। तो उस करेक्टर की साइकी ये थी कि चूँकि उसने कत्ल लेते किए होते हैं इंसानों के, तो वो एबनॉर्मलिटी उसमें आ जाती है कि वो एक एबनॉर्मल सा आदमी हो जाता है जिसके स्विच होते रहते हैं मूड्स। तो वो करते करते तो वो फिर बीवी की एक बात याद आ जाती है कि ये तो उसके साथ इन्वॉल्व थी, तो वो फिर उसको ब्लेड मारता है पीछे मुड़ के। हाँ, पीछे मुड़ के। तो वो एयरपोर्ट पे बैठा था, तो वो एक खातून आई बड़ी तेजी से, मुझे कहती है जी एक्सक्यूज मी जरा खड़े होंगे आप, पता नहीं क्या वो खड़ा हो टाक मुझे लगाई। मैंने कहा अब मुझे गुस्सा तो है लेकिन मैं बड़ा परेशान कि यार इसने क्यों इस तरह हाथ उठाया। मैंने कहा आपने मुझे हाथ क्यों उठाया? मैंने कहा यार मेरी शादी को 30 साल हो गए थे, मेरा शौहर इस तरह वो शेव करता था, मैं उससे बातें करती, लेकिन जब से यार तुमने ब्लेड मारे हैं तो मैं उधर से हट गई हूँ। मैंने कहा यार बड़ी, बाद में मैंने सोचा कि लोग इस तरह से लेते भी हैं, मतलब कैरेक्टर्स को बहुत सीरियस लिया जाता है कि यार ये तो फिर बड़ा डेंजरस हुआ मसला कि भाई उनकी लाइफ में एकदम से ये भौचाल सा आ गया। तो ज़बरदस्त खुशी होती है कि जो आप क्रिएट करते हो वो लोग उसको उस तरह से ले रहे हैं, तो वही सबसे बड़ी बात। कभी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट है, कोई रह गया हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते थे ना हुआ हो, कोई रिग्रेट होता है ना, चाहे पर्सनल लाइफ में या कोई प्रोफेशनल लाइफ में? रिग्रेट कोई भी नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जो जो टाइम आप उसको एंजॉय करते आता जाता है उसके साथ आप अगर चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, माजी को याद करने बैठ गए तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तो इसलिए बस जो टाइम आ रहा है, जो वक्त गुजर रहा है उसके साथ चलना चाहिए। बड़े मज़ेदार बात की है, और होना भी नहीं चाहिए रिग्रेट्स, बट हमने व्यूअर्स को बताएं कि नैयर एजाज साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उनकी कुछ सुन रहे हैं और कुछ अपनी बता रहे हैं, मगर मज़ीद बातें जो है वो जारी रहेंगी। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, नैयर एजाज साहब हमारे साथ हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं ऑफ द ब्रेक ऑन द कैमरा, बहुत चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। नैयर साहब, ऐसी कोई याद, ऐसा कोई वाक्या जो कि आप अभी मिस करते हैं, आप सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें हों तो तब्दीली आ सकती है, या आज की नस्ल के हवाले से कोई ऐसी रिग्रेट आप जो बात करना चाह रहे हो जिसके? नहीं, मैं आज की नस्ल को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने रिश्तों की इज्जत करें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की छोटी छोटी ज़रूरियात का भी ख्याल करें। चूँकि यह है ना कि आरज़ सलम ने फरमाया था कि आप अपने वालदेन को जब वो बुज़ुर्ग हो जाए तो उनको देख के स्माइल दिया करें, यह भी बहुत बड़ी खुशी है। तो हम लोग जब हमारे मुल्क के लोग या जो हम लोग वालदैन अपनी स्ट्रगल में अपनी मेहनत में भूल जाते हैं कि माँ बाप के साथ तमीज़ से बात करनी है, उनका ख्याल रखना है और उनकी सारी ज़रूरियात को पूरा करना है, जब हम ये नहीं कर पाते तो फिर हमारे लिए मसले और मुश्किलात खड़ी रहती है। तो मैंने ये देखा है कि जो लोग अपने वालदैन की इज़्ज़त करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उनको देख के मुस्कुराते हैं, उनके साथ ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते, वो रबुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम
बहुत से मुश्किलात से उसको उस इंसान को निकाल देता है, वो मुश्किलात से निकल जाता है, उसकी ज़िंदगी में आसानी सी आ जाती है। तो अपने बड़ों की, अपने वालदैन की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें और जितना भी हो सके अच्छा करने की कोशिश। आपने इतना काम कर रहे हैं आप और किया भी आपने, तो आपका कभी हुआ नहीं कि मैं अपनी लेगेसी किस पे ट्रांसफ़र करूं, या कोई ऐसी चीज़ कोई एकेडमी की सूरत में, कोई स्टूडेंट्स की सूरत में? मैं बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है जब भी कोई जूनियर या कोई आर्टिस्ट मुझसे कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करता है तो मैं उसको खुले दिल से बताता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मसला ये है कि जो एकेडमीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पता नहीं किनको टीचिंग के लिए रख लेते हैं, जिसकी वजह से ना कोई टैलेंट निकल के बाहर आता है, सारे खुद रो हैं बेचारे अपनी स्ट्रगल के साथ आगे आ जाते हैं। इस तरह ये जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो एक सब्जेक्ट एक्टिंग का, म्यूज़िक का रखें, ताकि उसमें जो बेहतरीन लोग हैं उनको बुलाया जाए और वो आके वहाँ पे ट्रेन करें लोगों को, तो ये होना चाहिए। इसके लिए वेटिंग के कोई अच्छी जगह से कॉल आए तो मैं ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। करेंगे ना, ट्रांसफ़र करेंगे आप? बिल्कुल करूँगा। क्या देखते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो कहते हैं बच्चे जो हैं, वो जनरेशन है पाकिस्तान की, जो है वो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, तो कुछ लगता है आपको कि ये आपने इतना कुछ लर्न किया, आपकी तो एक घराना आप उस घराने से हैं, अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कितनी ये कितना बड़ा ये चैलेंज है इस फील्ड के अंदर आना? हाँ नहीं, इस फील्ड में आना चैलेंज तो है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आप कंफर्टेबल हैं और आप समझते हैं कि इस फील्ड में आप में सलाहियतें हैं, आप आगे जाएंगे तो ज़रूर जाएं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपके काम में भी बरकत आएगी। हमारे दौर में ये था कि हम सीनियर से इतना डरते थे कि उसके सामने खड़े नहीं हो पाते। बिल्कुल। और आज का जो जूनियर है वो अपने तौर तरीके से जी रहा है। ठीक है, उस दौर में हम इज़्ज़त करते थे, हमें यही सिखाया गया था। आज के दौर में जो जिस तरह से चल रहा है वो ठीक है, किसी को आप रोक नहीं सकते, वक्त के साथ साथ वो समझ जाता है। और वैसे भी ये शोबिज़ एक ऐसी चीज़ है, इसकी चकाचौंध बड़ों बड़ों को हिला के रख देती है, लेकिन अगर आप मेंटली नॉर्मल हैं और आपके रवैये, आपने अपना रवैया नॉर्मल रखा है तो फिर आप चलते हैं, फिर आप डाउनफॉल अल्लाह की तरफ से नहीं आते। आपकी कितनी स्ट्रगल है और स्ट्रगल में आपने कितनी हार्डशिप्स फेस की? मेरी इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं है, तो मतलब मैं पागल हो गया हूँ, बूट मेरे टूट गए, नहीं इस तरह नहीं था। मेरे साथ ये होता था कि मैं एक तो शुरू से था बोल्ड सा था काम में, तो अक्सर कुछ सीनियर्स जो थे वो कट करवा देते थे कि यार या इसको रखो या हमें रखो। अच्छा। तो वो चीज़ें मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती थी, यार ये मतलब क्यों इस तरह करते हैं, लेकिन मैं डटा रहा, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, ऊँची आवाज़ में नहीं बात की और अपने काम पे काम से काम रखा, काम पे तवज्जो दी। आज अल्लाह का शुक्र है जो सुनना चाहते थे लोग अब सर कहते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, और जो पूछता है मैं खुले दिल से उसको बताता हूँ। तो जो कट कराते थे आपके रोल्स वो कौन थे? वो आज कुछ इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। उनका जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा हाँ, ये भी है। आपने कभी किसी को कट करा? ना, मैंने तो जब मुझे कट कराते थे तो मैं अपने रब से ये कहते था कि जी मैं सीनियर हूँगा तो मैं किसी इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा, और आज मैं बिल्कुल काम करता हूँ तो किसी के कैरेक्टर में, किसी के काम में घुसने की कोशिश नहीं करता। सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी में? आपकी जिंदगी में सोशल मीडिया कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि अब कैरेक्टर्स बनते हैं सोशल मीडिया से? बिल्कुल। अब मैंने देखिए, मेरा आज मेरा ख्याल है मैं 10 लाख कंप्लीट कर चुका हूँ अपने। अच्छा, 10 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए आपके का इंस्टाग्राम पे? नहीं, ये टिकटॉक पे। अच्छा, मैंने इसको ऐसे लिया कि सोशल मीडिया पे मैं सोचो के उनवान से थोड़ा थोड़ा लिखता भी हूँ फेसबुक पे। ठीक है। और तो टिकटॉक करने के बाद मैंने जब टिकटॉक किया, और आज जब आप बाहर जाते हैं या शादी में या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ, या इंक्लूडिंग आज जब मैं सुबह आया भी तो वो भी कह रहे सर मैं आपके टिकटॉक देखता हूँ, बड़े मज़े के टिकटॉक होते हैं आपके। तो
उससे फील हुआ शादियों में जाके खवातीन कह रही सर हमें भी डांस सिखाएं, आप हमारे साथ भी डांस करें, हमें भी डांस सिखाएं, आपका डांस बड़ा चाहिए। तो आज के एक्टर को अपने आप को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये जितने शोबे हैं यहाँ पे आप, ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिविटीज़ के साथ ही आगे बढ़ते हैं, बल्कि आप पॉजिटिविटी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। और आपको हर शोबे में अपने आप को रखना चाहिए ताकि आपको अपने वेट का पता चले कि यार आप हो, लोग आपको ओन कर रहे हैं, लोग आपके काम को एडमायर कर रहे हैं। तो ये तो सर आपने डांस कहाँ से सीखा? आपकी टिकटॉक से बड़े मज़ेदार किस्म के डांसेस हैं और डांस के बड़े बड़े चुलबुले से होते हैं, तो डांस का शौक कहाँ से पैदा हुआ? भाई देखिए, एक एक्टर को जब तक रिदम की सेंस नहीं होगी वो तब तक बड़ा परफॉर्मर बन नहीं सकेगा। उसको रिदम की सेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिलीप कुमार साहब ने एक गाने में वो सितार बजानी थी, उन्होंने 2 महीने शूटिंग नहीं की, वो पीस बजाना सीखा उन्होंने और उसके बाद उन्होंने रियलिटी के तरफ वो शॉट दिया। तो फिर जब आपको ये काम करना है तो इसकी छोटी मोटी डांस भी इसका हिस्सा है। सीखा कहाँ से? खुद ही देख देख के। अच्छा, देख देख के? कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली? नहीं नहीं, कहाँ, हमारे मुल्क में कहाँ क्लासेस होती है लेने जाने के लिए। हमारे साथ स्टार्ट बस वो देख देख के आपने पिक करना होता है कि अच्छा यार ये देखा ये देखा ये देखा। तो इन चीजों को देख देख के देख। अच्छा, तो पंजाबी में बड़ा आपको बड़ा मजा आता है? मैंने देखा आप पंजाबी डांसेस बहुत ज्यादा करते हैं। मैं हैगा भी पंजाबी हूं और पंजाबी ज्यादा बोलना वहां, और मुझे अच्छी लगती है अपनी जबान, माजाई जबान अच्छी लगती। क्वेटा, कराची, लाहौर, 3 बड़े स्टेशन के आपने ऊपर कहते हैं राज कर रहे हैं और किया भी है, क्वेटा से स्टार्ट हुए। कौन सा स्टेशन, कौन सा जो शहर है, सारे शहर हमारे पाकिस्तान के हैं बट जिससे उनसिया, जिससे दिल लगता है, जहाँ लाहौर, लाहौर से लगता है, लाहौर से लगता है, मज़ा आता है लाहौर में आके। फिर लाहौर की जो सर्दी है, लाहौर का जो बारिश का मौसम है वो इतना हसीन है। फिर हमारा लाहौर चूँकि साफ सुथरा है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और सर्दियों में जब फॉग होती है तो मैं गर्म कपड़े पहन के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं MM आलम रोड पे एक हाथ में एक कॉफ़ी का एक कप पकड़ा है, मैं दिल्ली पैदल घूम रहा हूँ। आपकी मूवी भी टकसाली आ रही है, वो भी एक गेट लाहौर के गेट के ऊपर है, तो उस मूवी में लाहौर का कोई क्या चीज़ आपने रोनमा हुई है या कोई चीज़? वो चूँकि अभी उन्होंने उसको बड़े पैमाने पे रिलीज़ करने का सोचा हुआ है तो उसकी उन्होंने कंपेन शुरू करनी, मैं उसके बारे में बता नहीं सकता ज़्यादा, ठीक है, नाम की हद तक मैं सिर्फ ये बात कर सकता हूँ। वो एक मज़े की फिल्म है और आपको इंशाल्लाह तआला तो उसमें हम आपका नेगेटिव कैरेक्टर देख रहे हैं? नहीं, उसमें मैं पॉजिटिव कैरेक्टर देख रहे हैं। पॉजिटिव देख रहे हैं। अच्छा, लोगों के लिए बड़ी अजीब सी बात होगी कि पॉजिटिव कैरेक्टर में मेरे होते हैं बट उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट जरूर होता है आपके कैरेक्टर्स में। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल ट्विस्ट वाला नहीं है, ये प्योर पॉजिटिव रोल है और करके बहुत मजा आया और इंशाल्लाह ताला जब स्क्रीन पे आएगा आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की बात हो तो आप, मुझे लगता है कि आप आशिक मिजाज भी हैं। ये अब जो फनकार है अगर उसके अंदर रिदम नहीं है तो वो फनकार नहीं है, और उसके अंदर अगर रोमांस नहीं है तो वो भी वो आगे नहीं बढ़ सकता। पोइट्री वगैरह भी शौक है, करते हैं? हाँ, बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा। आप लिखते भी, आपने बताया कि आपका छोटा सा फोरम है, सोचो के अनुवाद कुछ चीज सुनाना चाह रहे हो। मैंने लिखा था जब ये हमारा जो आजकल बेचारा फ्लॉप हो गया है, वो जो बड़ी बढ़के मार के अप हुआ था, बिल्कुल ही जा पड़ा है इमरान खान के बारे में। अच्छा। 14 अगस्त को निकला था धरना देने के लिए, तो मैंने उस वक्त लिखा था कि आज कायद आजम अपनी कबर में लेटे ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने पाकिस्तान किस लिए हासिल किया। क्या उन्होंने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया कि एक शख्स जो अब एक शख्स जो दूसरों पे कीचड़ उछाल रहा है, जिस दिन उस कीचड़ की चीटें उसके कपड़ों पे पड़ेंगी वो धो नहीं पाएगा। ये मैंने उस वक्त लिखा था 2018 में। तो सोशियो पॉलिटिकल भी आप लिखते हैं, इसका मतलब है? इस तरह से लिखता रहता है। और एनीथिंग इनटू रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म, हाँ। रोमांटिसिज्म जाहिर करने से तो नहीं होता, इंसान के अपने अंदर होता है। बट आप जज्बात की अकासी तभी कर सकते हैं जब आप इसको लिखें, एक्सप्रेशन को जब लिखा जाए तभी अकासी होती है। मैं हर खूबसूरत चेहरे को देख के उससे मुतासिर होता हूँ और अल्लाह को कहता हूँ सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत चेहरा बनाया,
हर खूबसूरत नेचर वाले को मैं पसंद करता हूँ, उसके साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है। हर खूबसूरत खातून जो नेचर की भी खूबसूरत है, उसके साथ बैठना, उससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के आशिक हो के तो उसका पीछा करना शुरू कर दें, तंग कर दें, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये है कि वो खूबसूरती है, उस खूबसूरती उसके साथ बैठ के अल्लाह के हुस्न को उतना इंजॉय करें जो उसने आपके सामने रखा हुआ। ये आपने बड़ा जबरदस्त सा ट्रेंड सेट कर रहे हैं और हमारी जनरेशन के लिए भी बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट है। तो बड़ा कुछ सीख रही हूँ मैं आपसे और सीखने का मुझे मौका भी मिल रहा है, व्यूअर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं और सेलिब्रिटी और हमारे साथ पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की पहचान और हमारी स्क्रीन की पहचान हमारे साथ है नैयर साहब। और हमसे पूछते हैं कि नैयर साहब आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे तो हर अच्छी चीज़ बहुत पसंद है। मेरी बीवी बनाती है बिरयानी, बहुत अच्छी लगती है उसके हाथ की। फिर वो कीमा और भिंडी पकाती है, वो बड़ी मज़ेदार। अच्छा, कीमा भिंडी। हाँ, और चने बहुत अच्छे बनाती है, लोहरी चने। नहीं, वो काले वाले, काले वाले, काले वाले चने। अच्छा, चावल वाइट, चावल वाइट। और कभी मतलब 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद इतवार की सुबह उससे मैं वो अपना हलवा बनवाता हूँ खुश्क, वो बड़ा मजे का। अच्छा, आप शौकीन है इसका मतलब खाने में। और खाने की बात हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे कुकिंग स्टेशन पर कुछ ना हो और वो हमें हमें हमारे साथ जो करती हैं और हमें बताती हैं कि अच्छा खाना कैसे बनाते हैं, वो है अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज किचन से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। बिल्कुल, मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा थोड़ा लाहौरी थोड़ा खाना बनाते हैं, तो आज हम लाहौरी चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। तो ये अभी इन प्रोसेस है बनने के, तो मैं थोड़ा सा प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर लेते हैं उसका। सिंपल, मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है, उसको तकरीबन आधा कप ऑयल के अंदर पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि जो है चिकन में एक फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 टमाटर ऐड करेंगे, एक छोटे साइज़ का बिल्कुल इसमें प्याज जाएगा, और सीजनिंग में हम इसमें ऐड करेंगे नमक जाएगा, इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी। अच्छा, सूखा धनिया इसमें साबुत डालेंगे, अगर आपको उसका फ्लेवर इन द केस अच्छा नहीं लगता तो आप पिसा हुआ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, वो डालेंगे। और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तो पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। लास्ट में हम 1 से 2 टेबलस्पून इसमें दही ऐड करेंगे, जब उसका पानी भी ड्राई हो जाएगा तो हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला करेंगे। लाहौरी लाहौरी चनों की बात हो रही थी, लाहौरी खानों की बात हो रही थी, हमने सोचा कि हम सर के लिए आज लाहौरी कढ़ाई बनाएं, तो खाइएगा बताइएगा आपको कैसी लगी है। अनम, आप बनाएं जी। तो हम जो फाइनल इसका जो है ना प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी देर तक देखेंगे, सर आप आएं और आप हमें ये बताएं कि थोड़े सा ये बताएं कि इंस्पिरेशन कहाँ से ली, कौन से सबसे ज़्यादा किस कैरेक्टर को पसंद करते हैं, पूरी दुनिया में अगर हम बात करें मूवीज़ की तो किसका कैरेक्टर पसंद है, कौन सा आर्टिस्ट पसंद है? देखिए, पूरी दुनिया में जो एक ही नाम है जो सबको पसंद है, जिन्होंने तहलके मचाए हैं, उनका नाम धीमा लम्ब्रांडो है। मैं भी उन्हीं से इंस्पायर हूँ, क्योंकि हर आदमी जब अलग और मुश्किल चीज़ देखता है तो उसको पसंद करता है। तो मार्लन ब्रांडो साहब ने जो कैरेक्टर्स किए हुए हैं, एक फिल्म में उन्होंने चाइनीज़ का रोल किया था, मैं पूरी फिल्म देखने के बाद अपने भाई से पूछ रहा था कि यार वो मार्लन ब्रांडो इतनी चुकीड़ा ऐसी चाइनीज बनाया हो सी, अरे इतनी गहराई में एक में शेरफ बने हुए थे वो, क्या बात है, चलना ही कमाल का था। तो उनसे इंस्पायरेशन है, रॉबर्ट डी नीरो साहब से है, फिर जॉनी डेप है, फिर फीमेल्स में मुझे चार्लिज थेरन बहुत पसंद है, मेरिल स्ट्रीप बहुत अच्छी लगती है, कमल हसन साहब बहुत अच्छे, कमल हसन साहब। और पाकिस्तान में किसका काम पसंद? सब बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता, वो तो सभी अच्छे हैं, लेकिन एक तो होता है ना कि सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद आए, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है वो भी। अच्छा, और आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं, कोई टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, उनमें से आप किसको देख रहे हैं कि ये फ्यूचर जनरेशन में लाइक फ्यूचर बहुत बड़े आर्टिस्ट बन के सामने आएंगे, कोई ऐसा नाम? बस जो बहुत मेहनत करेगा वो आगे आ जाएगा, सब मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सबको कामयाब करे। सेट पे जब आप जाते हैं तो जो जूनियर आर्टिस्ट हैं तो आपको देख के वो एकदम से नहीं हो जाते कि नैयर साहब के सामने हम कैसे
एक्ट करें, थोड़ा सा एक होता ही है ना कि बड़ों की एक रिस्पेक्ट होती है उनके सामने, आप अगर कुछ भी करोगे तो आप बड़े छोटे नजर अपने आप को समझते हो। हाँ नहीं, मैं हमेशा बड़ों वाली हरकत करता हूँ, छोटी हरकत पे कभी नहीं करता जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो। हाँ खुशी होती है, कल हम अपने सीनियर्स को देखते थे, हमारे दौर में सीनियर्स के साथ हम ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते थे और रिस्पेक्ट करते थे जो कि ज़रूरी है, इज्जत करना तो बहुत ही ज़रूरी है बड़ों की। तो आज जब जिस तरह मैं अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत करता था और आज जब मैं जाता हूँ तो लोग मेरी इज्जत करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ भी अच्छा हो रहा है। सर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको करके आपको वाकई खुशी मिली और अच्छा लगा, और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा रोल जिसको आपको बहुत मुश्किल पेश आई करने में और आपने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो बेहतरीन स्क्रीन पर आएगा, और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि आप करना चाहते हैं फ्यूचर में? स्टिल वेटिंग, अभी बहुत से कैरेक्टर है जो मैं करना चाहता हूँ, करना चाहते हैं। हाँ बहुत, अभी तक तो किया ही कुछ नहीं है, मैं तो बस अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, बस कोशिश में लगे हैं कोई अच्छा से अच्छा काम। आपकी पर्सनालिटी से लगता है अभी दिल जवान है आपका। जवान नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम, हमेशा जवान रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल आपने सही बात की है, जवान है जी, लेकिन समथिंग होता है ना कि कोई चीज़ सामने आती है, लाइक यू रीड, यू राइट, इवन यू डू पोइट्री एज वेल, और उसके बाद आपको सिंगिंग का शौक है, आपको डांस का शौक है, आपको डिफरेंट गेटअप्स में आने का शौक है, देर इज़ नो शेम कि आप कोई सा भी गेटअप धारे तो आपको कहते हैं यार ये दिस इज़ नॉट मैनी, मैनली नहीं है ये बहुत वो फीमेल गेटअप में भी आ जाते हैं। हाँ, मैं उसको ऐसे कोई एक गेटअप या ऐसा कोई एक कैरेक्टर जो आप कहते हो कि यार ये जिंदगी में कभी मौका आए तो मैं करूँगा। देखिए अब इतने कैरेक्टर लोगों ने कर लिए हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोगों के जो नाम हैं जिनके नाम मैंने बताए उन्होंने इतने इतने मुश्किल और इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स कर लिए हैं, तो अब अगर मैं करूँगा अभी तो अपने हिसाब से करने की कोशिश करूँगा। हर किरदार में करना चाहता हूँ जो वो कर गए हैं उनको अपने अंदाज में करने की कोशिश करूँगा, अपने वे में करने की कोशिश। कभी ये सोचा कि मैंने अब विलन रोल नहीं करना, मैंने लीड कॉमेडी नहीं करनी, मैंने लीड एक्टर आना है, ऐसा भी तो कभी सोचा ही होगा ना कि व्हाई नॉट मी, क्योंकि एक एक अच्छा, चीज जो डिफरेंट है वो भी तो लोगों के दिलों में। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल लीड रोल कर रहा हूँ, लीड कैरेक्टर हूँ, ठीक है, तो वो उस पे जब मैं मेहनत करता हूँ तो अल्लाह ताला उसको लीड ही बना देता है। हाँ, वो बीच में प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है, आप इतनी मेहनत से काम करेंगे तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है। आजकल के एक्टर्स को जो कि आपको पता है सोशल मीडिया पे बन रहे हैं, टिकटॉक्स पे इतने एक्टर्स हमारे सामने आते हैं, हम रोज़ कुछ ना कुछ वीडियोस देख रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार ये अच्छा कर रहा है, और अब तो खैर कहते हैं ना कि एक फ़ोन से आप एक्टर बन रहे हो, तो आप क्या टिप देना चाह रहे हैं उनको? अभी अभी तो मैं देख रहा हूँ हमारी बहुत सी सीनियर आर्टिस्ट हैं, बड़ी संजीदा खवातीन हैं, वो भी डांस करना शुरू हो गई, गानों पर परफॉर्म कर रही हैं टिकटॉक पे, तो उनमें से कोई एक नाम बताएं हम भी देखेंगे कौन है। मैं काफ़ी हैं, तो मुझे खुशी होती है कभी अगर टिकटॉक पे मैंने शुरू किया है तो वो भी कर रही हैं, तो जारी बात है आप इस तरह करने से अपने आप को न्यू करते हैं, वो जो टेंशन और आपको अगर काम आपके पास नहीं है और वो जो आपकी थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं वो भी निकल जाती हैं, आप दो मिनट तीन मिनट तैयार होकर अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें मज़ा आ रहा है तो करते जाएं, इसको मत सोचें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, एक हम सोच रहे हैं कि आपके लिए गाना लाइनअप करें और नेक्स्ट ब्रेक में आप हमें वही टिकटॉक का डांस करके दिखाएं, क्योंकि वो बड़ा मज़ेदार किस्म का है, और आपके मैंने देखे हैं टिकटॉक्स पे आपने बड़े डिफरेंट परफॉर्मेंसेस की हैं, पंजाबी और डिफरेंट, और सामने मोबाइल रख के भी की हुई हैं। अच्छा, तो इससे वैसे लगता है कि आपकी डिप्रेशन भी और जो चीज़ें थी वो भी खत्म होती है? पहली बात तो ये कि मैं डिप्रेस होता ही नहीं हूँ, डिप्रेशन में जाता ही नहीं, बड़ा पॉजिटिव हर वक्त रहता है। हाँ हाँ, जब आप डिप्रेशन में जाएंगे तो आपसे उल्टी सीधी बातें होंगी, आप पॉजिटिव रहें, सोचें, मेरी आदत ये मैं जो सोचता हूँ वो कर गुजरता हूँ, वो ज़्यादा उस पर वो नहीं करता, एक काम सोचा है, एक रोल सोचा है, या मैंने इसके साथ मिलना है तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा, अगर मेरा दिल कर रहा है मैंने इसके साथ नहीं मिलना तो मैं नहीं मिलूँगा, नहीं मिलेंगे ना ना, अगर मुझे मिलना है तो वो कहीं भी है मैं खुद जा कर उससे मिलूँगा, कोई काम करना है तो मैं करूँगा, नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा, वो उसमें मेरा टेंशन क्वेश्चन। सोचें कि आपने किस गाने पे आपने परफॉर्म करना है, हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आना है, बट सर जो है वो हमारे साथ हैं और आप लोग सब वेट करें सरप्राइज का, क्योंकि आपको लाइव परफॉर्म करके दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग धनक।
आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हमारे पास वैसे ही बहुत कम रह गया है और सर से बातें जो अभी चल रही हैं बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कैरेक्टर्स पे बात की, पूरी दुनिया में इनको सराहा जाता है, इनके ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स से फ़ोन भी हमारे पीछे प्रोडक्शन में आ रहे थे और लोग पूछना चाह रहे थे कि आज नहीं है साहब हमारे साथ हैं, क्या इतनी एक्साइटमेंट थी। और किचन में भी हमने इनसे पूछा कि इनको क्या खाने पसंद है, मगर एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है परफॉर्मेंस और इनके टिकटॉक्स, जो आज इनके 10 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो टिकटॉक पे पूरे हो गए हैं और इसके बाद तो भाई ढेर सारे पैसे आने वाले नहीं सब आपको पता नहीं, मैं तो खुशी में कर गया हूँ। अब जब हो गए हैं तो अब पता चलेगा कि कितने पैसे आते। बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान का फिर बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की पहचान है। और जब पाकिस्तान का जब पहचान की बात आती है तो ऐसे जो नाम है हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, लेजेंड है पाकिस्तान के। और ऐसा नहीं हो सकता कि टिकटॉक पे हम परफॉर्म ना कराएं, क्योंकि थोड़ा सा कहते बनता ही है और सर भी मान गए इस बात को। सर आप प्लीज़ इधर आएं और अपना जो फेवरेट जो आपका जो गाना है जिस पे आपको मज़ा आता है करके, वो कौन सा है? वो काम डाउन जो है, काम डाउन उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, लगे जी प्ले करें जी काम डाउन। और जी वेरी नाइस। अच्छा इससे तो आपकी फॉलोइंग और भी बढ़ जाएगी। हाँ। वो 10 मिलियन से ऊपर हो जाएंगे आप। तो ये जो परफॉर्म करते हैं ये देख के करते हैं कि वैसे ही जो दिल में जाते कर लेते हैं, क्योंकि ये वही स्टेप्स हैं जो कि उन्होंने ओरिजिनली किए हुए हैं। नहीं बस वो देख के कुछ बीच में अपनी एडजस्टमेंट भी कर लेता हूँ कि यार उधर से ले लिया। एक और चीज, एक ऐसा आपका जो कैरेक्टर जो आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि आप करें, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं, एनी व्हाटएवर, आपको पांच फेवरेट कैरेक्टर्स चलो बता दें कर दें। सबसे पहले वो था कि सेठ सलमान था जो उस पे किया था, धुआं में किया था, तो उसका एक टिपिकल एक कंटिन्यूटी थी, वो हमेशा कहते जहे नसीब जहे नसीब जहे नसीब मेरी बच्चियों, दाल दल कचियो, जमाना बड़ा ख़राब है, मर्द की आंख से बचना है, उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करनी वरना बड़े दुख मिलते हैं मेरे बच्चों। बहू बहू पूछना तो बनता है मेरी जान, नौतिया सताई साते दो फिर नौ। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा इतना इतना माशाल्लाह, याद नहीं है आपको? अच्छा अक्सर होता है कि याद भी नहीं होते, याद भी नहीं होते, लेकिन बड़ा जो आपने क्रिएट किए होते हैं बनाए होते हैं तो उनको फिर याद रखा जाता है। तो जो स्क्रिप्ट जब आता है आपके सामने तो आप खुद ही उसको चेंजेस कर लेते हैं? नहीं नहीं, स्क्रिप्ट पे कभी चेंज नहीं करता, मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर को बनाता हूँ और जो राइटर ने लिखा होता है उसी में खेलने की कोशिश करता हूँ, कोई चक्कर नहीं चलाता। आपके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग करते हैं उनको तो खास अटेंशन उनके ऊपर होगी होगी ना कि आपको फोकस कैसे करना है? ये जब किरदार मुझे मिलता है तो फिर उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो जाता है, मैं उसमें उसकी चाल ढाल, उसका ड्रेस, उसका गेटअप, वो फिर मैं खुद बनाता हूँ, वो मैं खुद करता हूँ, बाकी मैं राइटर की चीज़ें चेंज करने की कोशिश नहीं करता। अच्छा एक वो बाजी फिल्म का भी थोड़ा सा, ये अभी तो मैंने कहा था पाऊ वाला बाजी बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन वो भी उसका ना मुझे वो कुछ थोड़े से उसके ना वर्डिंग्स अब बड़े जरा लो क्लास के हैं वो, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूं। जंजालपुरा, जंजालपुरा भी कर दिया मैंने, वो तो वो था ना कि बेटियों को कहता कि जी बाहर मर्दों के साथ आंकलन लड़ाना पड़ा। तो आपका फेवरेट में से कौन सा था? सारे फेवरेट होते हैं, कोई भी किरदार आपका जब तक फेवरेट नहीं होगा आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो किरदार मिलता है उसमें कीड़े निकालने के बजाय उसको संवार लेता हूँ मैं, छोटा भी रोल होगा तो उसको संवार लूंगा मैं, वो नहीं करता मैं जी ये क्या रोल है तो ये इस तरह से है ये सर, नहीं नहीं इसकी ठीक है। सर खाना जो है वो हमारा तैयार है, आए आप थोड़ा सा खाएं और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा है। हाँ, ए प्लस मॉर्निंग शो का हमेशा से ये वो कहते हैं ना कि होस्टिंग का सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि हमारा जो किचन का जो स्टेशन होता है वहाँ हम अपने गेस्ट को खाना जरूर सुबह सुबह सर्व खिलाते हैं और सर्व भी करते हैं
और बताते हैं आपको कैसा लगा, ये आपने बताना आपको कैसा लगा। और पा गया अनम, अनम के हाथ में जायका। हाँ देख रहे थे जी अनम जी आपके हाथ में कितना जायका। और ये मैंने अनम जी का पहली बाइट ली और बहुत अच्छा, नमक मिर्च बड़े कंट्रोल में है और खा के मजा आ रहा है भाई, बहुत जबरदस्त। अच्छा इसके बाद अनंत पास हो गई, थैंक यू। और इतने अच्छा खाना घर से खाते हैं, उनको बताया हाँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा बनाती हैं, तो इसका मतलब अनंत तुम पास हो गई। हाँ तो जो जो खाना जायकेदार खाते हैं उनको जायके का पता होता है। एग्जैक्टली जायका अच्छा है। अभी आप नाश्ता आपका ही हो गया, कभी आप करेंगे जाके? नहीं मैं जाके बीवी के हाथ में करूंगा, मैं बाहर नहीं करता। अच्छा ये भी अरे मैं बाजार का खाना वाना नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाते, नहीं घर जो मिल जाए सूखी रोटी खा के भी मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा घर का ही खाना है, बाहर का नहीं खाना? सूखी रोटी भी खानी है तो लाहौर जैसी जगह पे आप बाहर नहीं जाते और खाते, मैंने ट्राई भी नहीं करते? स्टार्ट में खा के भुगत लिया था, फिर मैंने कोशिश नहीं की बाहर खाने की। अच्छा सही है, तो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड किया, बातें की आपसे और बहुत कुछ सीखा। और बस एक चीज जो मुझे लगा कि जो छोटा सा आपका एक गिला था कि रिस्पेक्ट लेवल जो है वो होनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए इतने बड़े बड़े एक्टर्स की, और रिस्पेक्ट के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सीखते हैं उनसे और आपके लेजेंड्स हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को बड़े साल दिए हैं, बड़ा काम किया हुआ है, और ये एक रिस्पेक्ट ही है जो कि उनका उनको उनको सराहती है, उनको समझती है कि उनके लिए बड़ी पॉजिटिविटी वाइब है। अच्छा आप कहेंगे बार बार मुझे तंग कर रही है, बार बार तंग कर रही है, कोई एक आधा शेर फेवरेट? बिल्कुल मैं शेर सुना चाहूँगा। महकशी में ज़रा खुमार तो हो, जिंदगी में कहीं करार तो हो, डूब जाऊँ मैं तेरी आँखों में पर मुझे इनका एतबार तो हो, जिंदगी में कहीं करार तो हो, हूँ लबे मर्ग आजा पुरसिश को, हूँ लबे मर्ग आजा पुरसिश को, दोस्तों में तेरा शुमार तो हो, जिंदगी में कहीं करार तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये किसका था? ये मेरे भाई रियाज साहब। अच्छा उनका था, उनका था। अच्छा उनकी भी याद ताज़ा हो गई। हाँ उनका एक ये भी बड़ा मजा आया, जिंदगी दर्द धुंध सन्नाटा, जिंदगी दर्द धुंध सन्नाटा, बेपनाह लोग फिर भी सन्नाटा। वाह 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 वाह, बड़ा डेप्थ है इसमें। तो लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? मैसेज सिर्फ प्यार है, मोहब्बत है, दुनिया में हम आए हैं, अल्लाह ताला ने हम सबको दुनिया में भेजा हुआ है, अपने अपने काम उन्होंने हमारे सुपुर्द कर दिए हैं, हमने करने हैं। कुछ काम हम नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ काम हम पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं। सोचना आपको है, सोचना आपको है कि आपने पॉजिटिव तरीका इख्तियार करना है या नेगेटिव, ये सोचना आप। अच्छा सर आप इस तरफ आ जाएं तो ऐसे आपके थोड़े से हम बात करें, प्रोजेक्ट्स जो अपकमिंग आ रहे हैं या आपके भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिर्फ फिल्म्स चल रही हैं कि ड्रामास में भी? अभी अभी एक फिल्म ख़त्म की है, दो फिल्मों की बात चल रही है, देखो वो कब स्टार्ट होती है, अभी इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही। तीन अभी एक नया ग्रीन इंटरटेनमेंट है, उसमें मेरे तीन प्रोजेक्ट्स चलेंगे। अच्छा हाँ जी, और इसी तरह दो प्रोजेक्ट और हैं जो प्रोजेक्ट्स किस चीज़ के ऊपर हम आपको देखेंगे? कॉमेडी नहीं, सीरियस है। एक में पॉजिटिव हूँ और एक में नेगेटिव है और एक में एक मतलब आशिक मिजाज आदमी का रोल है, वो वाला कर रहा हूँ, और दो अभी बातचीत चल रही है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये आपके सारे प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं। मैं अगर फिल्म कर रहा होता ना फिर मैं ड्रामा नहीं करता। अच्छा ए वन एट अ टाइम। अब फिल्म खत्म की है तो अब मैं कहीं दूसरा काम ड्रामाज में करेंगे जी। और कभी सोचा नहीं है कि थिएटर को रिवाइव करूं या थिएटर में जाऊं या लोगों, क्योंकि थिएटर इज अ मैस ऑडियंस एज वेल। नहीं वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, थिएटर का कभी मैंने शुरू से ना थिएटर के बारे में सोचा ही नहीं था, ना रेडियो मैंने किया। वो स्टार्ट में जब रेडियो में काम करने के लिए जाते थे ना, तो हम लोग जब टीवी पे होते थे तो रेडियो का कोई आर्टिस्ट आता था, सब उसकी नकल करता कि रेडियो पाकिस्तान है, रेडियो पाकिस्तान है, तो वो उससे थोड़ा सा इस तरह आप किया कि यार कहीं जाके मैं भी, मेरे बारे में भी कल लोग यही ना कहे कि रेडियो पाकिस्तान है, रेडियो पाकिस्तान है, तो वो उसलिए उस तरफ भी नहीं गया। थिएटर का ये कि उस पर इतना जोर लगता है और फिर जो थिएटर अब हो रहा है वो मेरे बस का रोग नहीं है, मैं इस तरह का थिएटर में कर नहीं सकता।
तो लिहाजा मैंने अपने आप को उस तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की, मैं साइड पे रहा। थिएटर के ऊपर, ठीक है सर, बहुत हमने इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा आपसे और आपको तंग भी किया बीच बीच में, बट कहते हैं ना कि आप सरमाया है पाकिस्तान का, आपने पाकिस्तान के लिए काम किया और कर भी रहे हैं और पाकिस्तान का नाम आप जैसे लोगों से है, क्योंकि जब पहचान की बात होती है तो उन्हीं लोगों का नाम लिया जाता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात काम किया हो और पाकिस्तान की तरक्की के लिए गामजन हो। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम हमारा आज सर पे था और अब मैं आपको मिलूंगी 4 दिन बाद नेक्स्ट मंडे, क्योंकि मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ, मगर हमारा शो जो है वो लाइव चलता रहेगा और मेरी जगह कोई ना कोई और जो है वो शो को होस्ट करेंगी, मगर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले मंडे से। तो पसंद करते रहिए, देखते रहिए धनक, सुख के सारे रंग, A+ के संग, और गुड मॉर्निंग धनक।